अजवाए हिंद का आरंभ कैसे निपटेंगे हम, कि भारत जो है वो कट्टरता के लैंडमाइन पर है, भारत जो है वो कट्टरता के बारूद पर है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। नफरत की आदि हो चुकी गोदी मीडिया ने जिस तरह से सत्ता प्रेमी इस देश के विपक्ष से लेकर आम लोगों तक को अपना दुश्मन मान लिया है, अब वक्त आ चुका है कि गोदी मीडिया अब अपनी इस साधी हुई दुश्मनी की कीमत चुकाए और इसे लेकर इस देश के विपक्ष को सबसे ज्यादा मुस्तैद होने की जो जरूरत महसूस हो रही थी, उस जरूरत की पूर्ति पर कांग्रेस ने पहला कदम उठा लिया है। अब नफरत की इस आग में जिस तेजी की उम्मीद की जा रही थी उसमें कमी लाने की शायद ये शुरुआत भरो, लेकिन कांग्रेस ने जो गोदी मीडिया पर प्रहार करने का फैसला किया है उससे संदेश आने वाले दिनों में यह जरूर जाएगा कि अगर गोदी मीडिया अपने नफरत के घोड़ों को काबू में नहीं करती है तो सभी पर बारी बारी बॉयकॉट की तलवार लटकने वाली है। तो खबर यह है कि कांग्रेस ने अब गोदी मीडिया में रच बस चुके प्योर पत्तलकारों के खिलाफ बॉयकॉट का एक्शन ले लिया है। इससे पहले कि यह सवाल उठाया जाए कि गोदी मीडिया में से इस शुभारंभ के लिए सबसे पहले चुनाव किसका किया है, तो जवाब है अमन चोपड़ा। जी हां, कांग्रेस की हालिया रिलीज हुई ब्लॉक लिस्ट में जिस नफरती का नाम सबसे पहले नंबर पर है तो वो है अमन चोपड़ा। जी से लेकर न्यूज 18 तक अपने जहर को फैला चुका ये नफरती अब कांग्रेस द्वारा बॉयकॉट किया जा चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस बात को लेकर ट्वीट किया कि ताजा नफरत के उत्सर्जन को देखते हुए कांग्रेस ने सबसे बड़े मौजूदा समय के नफरती को स्पॉट करते हुए उसके जहर से दूरी बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जिस नफरत को बढ़ावा देने में अमन चोपड़ा ने अपना योगदान दिया है उससे खुद को अलग करने का मन बनाते हुए कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि वो अब अपना कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता अमन चोपड़ा के शो में नहीं भेजेगी। कोई भी ऐसा बयान या नफरती सवाल का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता अमन के शो में नहीं देंगे, जिससे कि इस नफरती चिंटू को विपक्ष के बारे में जनता के मन में चरस बोने का मौका मिले। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से जोश में दिख रहे कांग्रेस की तरफ से यह फैसला लिया जाना इस बात का संकेत है कि अब कांग्रेस ने अपने खिलाफ दुष्प्रचार के अभियान पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, बॉयकॉट घोषणा। पिछले कुछ हफ्तों में साथी प्रवक्ताओं व अन्य शुभचिंतकों से चर्चा करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अमन चोपड़ा के शो पर कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं जाएगा। समाज में जहर फैलने से रोकने में ये हमारा एक तुच्छ योगदान है। नाम भले बस कांग्रेस नेता ने अमन चोपड़ा का इस ट्वीट में शामिल किया, लेकिन संकेत और संदेश बाकी गोदी मीडिया के लिए भी उतना ही है कि आने वाले दिनों में जो प्रोपेगेंडा की दुकान कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर गोदी मीडिया सजाने का काम करती है वो ज्यादा दिन ना तो चलने वाला है और ना ही कांग्रेस इससे अब चलने देगी। अमन चोपड़ा से शुरुआत महज झांकी है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के मन में जो पिक्चर चल रही है उसे समूचे गोदी मीडिया को दिखाना बाकी है। फिलहाल तो अमन चोपड़ा और न्यूज 18 के खिलाफ बॉयकॉट को लेकर कांग्रेस ने अपना मन बना लिया है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस दूसरे नफरतियों के खिलाफ भी ऐसा एक्शन ले सकती है। इसके साफ संकेत भी अमन चोपड़ा की बॉयकॉट में छिपा है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक उसे पहुंचाते रहेंगे। तो कांग्रेस के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर लें।